जी भी पहली बार चुनाव हारेंगे। तो कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता दें कि सांसद सुब्रत पाठक की पत्नी ने किया निर्दलीय नामांकन। तो कन्नौज सीट से बुधवार को निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो कन्नौज सीट इस वक्त बेहद दिलचस्प होते हुए, जहां एक तरफ अखिलेश यादव आज अपना नामांकन कन्नौज सीट से दाखिल करने जा रहे हैं, दूसरे सेट में सुब्रत पाठक जो है वो नामांकन करेंगे। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, सांसद सुब्रत पाठक की पत्नी ने निर्दलीय नामांकन किया है, तो ये बड़ी जानकारी। संवाददाता आलोक पांडे भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आलोक, का नौ सीट इस वक्त हॉट सीट बनते हुए और साथ ही दिलचस्प होते हुए, जहां एक तरफ अखिलेश यादव आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ इस सीट पर इस चुनावी रण के मैदान में सांसद सुब्रत पाठक की पत्नी ने भी अपना दाव चल दिया है। बिल्कुल, देखिए अब तक कन्नौज में यही हो रहा था कि आखिर सपा से कौन लड़ेगा, उसके बाद तेज प्रताप यादव आते हैं और तेज प्रताप के बाद फाइनली अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे सुब्रत पाठक कह भी रहे थे कि अब आएगा मजा, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता यहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे उस मजे के साथ ही यहां पर एक बड़ा ही रोचक चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है जो सरप्राइज एलिमेंट होने की वजह से वो तैयारियां नहीं हो पाई, बल्कि हम पार्टी कार्यालय के ही वहां पे हम आपको दिखा दें कि सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर केंद्रीय चुनाव कार्यालय बनाया गया है। आज लगभग 12 के आसपास अखिलेश यादव यहाँ पर नामांकन करेंगे, उनके साथ यहाँ पर जिला अध्यक्ष रहेंगे, कन्नौज के कुछ और लोग रहेंगे, तीन गाड़ियों के साथ वो नामांकन करने जाएंगे, कुछ कार्यकर्ता भी आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सुब्रत पाठक को देखें तो निश्चित तौर पर सुब्रत पाठक और बीजेपी ने यहाँ इस सीट पे मेहनत की है और यही वजह है कि पिछली बार सुब्रत पाठक यहाँ जीते थे जब यहाँ से डिम्पल चुनाव लड़ रही थी और उसके बाद अब यहाँ पर अखिलेश चुनाव लड़ने आए हैं। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी और सपा की यहाँ पर आमने सामने की टक्कर होगी और अखिलेश यादव के आ जाने से निश्चित तौर पर वो टक्कर या वो कन्नौज जो वीवीआईपी सीट हमेशा से रही है, हॉट सीट रही है, अब और कहीं ज्यादा वो निगाहों में रहेगी कि आखिर यहाँ का मतदान कितना होता है, वोटिंग परसेंटेज कितना होता है और बाद में 4 जून को परिणाम या नतीजे कैसे आते हैं। रही बात नेहा पाठक की, जो कि सुब्रत की पत्नी है, तो चुनाव को के बीच में हमने टिकटों का बड़ा टैक्टिस देखा है। टिकटों को लेकर के एक टैक्टिस रहती है कि कहीं नामांकन के वक्त पे कोई ऐसा ना हो जाए कि ना भर पाए या कोई और वजह हो। उसी तरीके से देखा जा रहा है कि नेहा पाठक मात्र एक जैसे कहा जाए कि प्रिकॉशन के तौर पर उन्होंने निर्दलीय भरा है। आज सुब्रत पाठक भी यहां पर नामांकन करेंगे, रोड शो के माध्यम से जाएंगे, नामांकन करेंगे, उसके बाद ठीक वो ग्राउंड में जाएंगे, यहाँ पर पास में ही है जहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम रहेंगे तो उनकी रैली रहेगी। तो कुल मिला के आज कन्नौज में पॉलिटिकल सरगर्मी ज्यादा है और नामांकन का दौर रहेगा आज अंतिम दिन, उसमें अखिलेश यादव भी अपना नामांकन भरेंगे और सुब्रत पाठक भी।